हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे जावा नेमिंग कन्वेंशन। देखो, जब भी जावा की बात करें तो जावा ने कुछ रूल्स कह सकते हो या गाइडलाइन कह सकते हो या कन्वेंशन कह सकते हो कि एक प्रोवाइड कराता है कि आपको कुछ भी नहीं लिखना है, कैसा हूँ नहीं लिखना है, एक प्रॉपर तरीका है। जैसे कि आप क्लास लिखते हो, क्लास नेम, सो क्लास और क्लास नेम जैसे आप कुछ भी लिख दिया, इसे कुछ भी डाल दिए, इट्स नॉट ए गुड वे। ओके, तो आपको अच्छे से लिखने के लिए बोला गया है कि जैसे आप क्लास नेम लिखोगे तो आप कैपिटल लेटर से शुरू करोगे, उसके बाद जो कुछ भी लिखना है, जैसे कि एन ए एम ई क्लास नेम, द नेम इज वन ऑफ द क्लास, या आप स्टूडेंट लिख रहे हो तो कैपिटल एस टी यू डी ई एन टी। ऐसे आपको बोला गया कि फॉलो करने के लिए बहुत स्टैंडर्ड तरीका होता है अगर आप ऐसे लिखते हो तो। अगर हम बात करें किसी वेरिएबल्स का, किसी मेथड का, किसी पैकेज का, किसी कांस्टेंट का, तो ये सारी चीज़ें जावा ने एक रूल दिया है। जैसे कि आप क्लास और क्लास का जो नेम है उसको कोई नंबर से शुरू नहीं कर सकते, इट्स अ रॉन्ग वे। जैसे आप कोई नंबर लिख दिए, उसके बाद लिखे प्रिंस, उसके बाद लिख ले क्लास, इट्स नॉट ए गुड वे। आप अगर किसी अंडरस्कोर से करते हो, हाँ वैलिड तो है, लेकिन ये अच्छी तरीका नहीं है क्रिएट करने की। आप डॉलर से कर रहे हो, एट द रेट से कर रहे हो, इट्स नॉट ए गुड वे। ऐसे आप करोगे तो ये अच्छी तरीका नहीं है। इसको बोलते हैं नेमिंग कन्वेंशन, यानी कि जो लैंग्वेज जिसने बनाया है वो कुछ रूल्स देता है, कुछ गाइडलाइंस देता है कि अगर आप इस रूल्स या गाइडलाइंस को अगर फॉलो करते हो तो आपका प्रोग्राम बेटर दिखेगा और बेटर होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि जावा नेमिंग कन्वेंशन इज ए रूल टू फॉलो एज यू डिसाइड व्हाट टू नेम योर आइडेंटिफायर सच एज क्लास। क्लास का आप नेम कैसे रखोगे, पैकेज का नेम आप कैसे रखोगे, वेरिएबल का नेम आप कैसे रखोगे, कॉन्स्टेंट का नेम आप कैसे रखोगे, मेथड का नेम आप कैसे रखोगे, तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे वन बाई वन। ओके, बट इट इज़ नॉट ए फोर्स टू फॉलो। आपको फोर्स नहीं किया जाता कि आप ऐसा फॉलो करोगे तभी सही है। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, करोगे तो वेल एंड गुड, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। सो इट इज़ नॉन एज ए कन्वेंसन, नॉट ए रूल्स। एक कोई कन्वेंसन है, रूल नहीं है। दिज कन्वेंसन आर सजेस्टेड बाई द सेवरल जावा कम्युनिटीज लाइक सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम ही डेवलप किया था जावा को, तो इसका रूल आप कह सकते हो कि एक कन्वेंसन है जो अपना देता है वो। नेटस्कैप ये भी एक कंपनी है जिसने बहुत सारे डेवलप की है। ऑल द क्लासेस इंटरफेस पैकेज मेथड्स एंड फील्ड्स आर द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर द गिवन अकॉर्डिंग टू द जावा नेमिंग कन्वेंसन। इफ यू फेल टू फॉलो दिस कन्वेंसन इट मे बी जनरेट कन्फ्यूजन और एररनेस कोड। देखो, सन माइक्रो सिस्टम यानी कि जहाँ पे जावा डेवलप हुआ है वो बोलता है कि अगर आप मेरे नेमिंग कन्वेंसन को फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। आपको क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है और एररनेस कोड जो होगा उसको आप जल्दी रिजल्व नहीं कर पाओगे, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, अगर बात करें कि इससे एडवांटेज क्या है, एडवांटेज का बात करेंगे तो एडवांटेज ऑफ द कन्वेंसन इज By using the standard Java naming convention, you make your code easier. बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, readability होता है Java program का, very important होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ अब बताओ क्यों मुझे Java convention को use करना चाहिए, naming convention को follow करना चाहिए, क्योंकि code आपका readability होगा, readable होगा, अच्छे program आपके दिखेंगे। ये बहुत important play करता है role। सब कोई पढ़ सकता है, सब कोई figure out कर सकता है आपके code को। उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले द नेम मस्ट नॉट कंटेन्स एनी व्हाइट स्पेस। जैसे आप कोई क्लास नेम लिख रहे हो, देखो यहाँ पे क्लास और क्लास नेम, तो आप लिख दिए प्रिंस और स्पेस दे करके कुमार, ये आप दे रहे हो क्लास नेम, तो एक गलत तरीका है। आप ऐसे क्लास नेम नहीं दे सकते क्योंकि क्लास नेम जो होगा एक साथ होगा, कोई भी बीच में व्हाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। क्या तो आप इसे अंडरस्कोर दे सकते हो या आप ऐसे दे सकते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक ये भी नहीं चलेगा, डैश भी नहीं चलेगा, अंडरस्कोर ही चलेगा केवल। ठीक है, आप चेक कर लेना इसे। तो ये सारी नेमिंग कन्वेंशन होता है। जैसे कि अगर क्लास के बारे में बात करें, अगर स्पेशली हम क्लास के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा, जैसे क्लास, तो इट शुड स्टार्ट विद द अपर लेटर,
जो भी आप लिखोगे, जैसे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप एस कैपिटल से स्टार्ट करोगे ना कि स्मॉल से। ओके, इट्स शुड बी ए नाउन सच एज ए कलर, देखो ऐसे लिखना है, कलर, बटन, सिस्टम, थ्रेड, इट इज लाइक दैट। यूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स, जो अच्छा नेम हो उसको यूज करो, कोई भी एक्रोनम यूज मत कर लो, कोई भी बकवास। जैसे स्टूडेंट लिखना है तो कैपिटल स्टूडेंट के जगह पे आप लिख दो विद्यार्थी, BIDHARTHI, तो ये अलग अलग है, इससे नाम नहीं लिखना है आपको, स्टूडेंट प्रॉपर लिखना है ताकि सब कोई समझ पाए, ठीक है। जैसे क्लास को डिक्लेयर करने के लिए पब्लिक क्लास कीवर्ड और इम्प्लॉय, और बॉडी को ओपन करो और क्लोज करो, ये नया एक अच्छी कन्वेंशन है। अगर आप इंटरफेस बना रहे हो तो उसके लिए आप इट शुड बी स्टार्ट विद द अपर लेटर, डेफिनेटली कोई भी क्लास अपर लेटर शुरू होगा। इट शुड बी ए एडजेक्टिव, रनेबल, रिमोट, एक्सेल लिसनर्स, लाइक दैट। एंड इसको आप इंटरफेस, एक कीवर्ड है, उसके थ्रू आप प्रिंसिपल से इंटरफेस बना सकते हो। अगर बात करें मेथड का, तो मेथड शुड स्टार्ट विद द लोअर लेटर्स। देखो अभी तक बात कर रहे थे क्लास और इंटरफेस का, तो बोल रहा था क्या अपर लेटर का यूज करना है, लेकिन जैसे ही आप मेथड का बात करोगे तो क्या करोगे, लोअर लेटर से स्टार्ट करोगे। जैसे कि मुझे इट, तो इट एक मेथड है जिसको हम शुरू करेंगे क्या से, कैपिटल स्मॉल ई से, ना कि कैपिटल ई से, कैपिटल ई गलत है, आपको स्मॉल ई से करना है। इट शुड बी वर्ब सच एज ए मेन, प्रिंट, प्रिंटलन। इफ द नेम कंटेन्स मल्टीपल वर्ड, स्टार्ट विद द लोअर लेटर्स फॉलोड बाई द अपर केस लेटर सच एज ए एक्शन परफॉर्म्ड। इसको बोलते हैं कि जैसे एक्शन एक वर्ड हो गया, और उसके बाद कोई भी वर्ड आए तो उसकी कैपिटल लेटर से शुरू करके एंड कर दो, दैट इज कॉल्ड द मेथड नेमिंग कन्वेंशन। ओके, अगर वेरिएबल का बात करें तो इट शुड बी स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर सच एज ए आई डी, नेम। इट शुड बी नॉट स्टार्ट विद द स्पेशल करेक्टर लाइक एंड, डॉलर और अंडरस्कोर, ऐसे स्टार्ट नहीं करना है। इफ द नेम कंटेन्स द मल्टीपल वर्ड्स, स्टार्ट इट विद द लोअर लेटर्स फॉलोड बाई द अपर केस लेटर्स सच एज ए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लाइक दैट। फर्स्ट नेम कैपिटल लेटर से शुरू करना है, लास्ट, लास्ट हो गया समाप्त, उसके बाद कैपिटल लेटर से शुरू होता है, लेकिन शुरुआत जो करना है वो स्मॉल से करना है, होता है नेमिंग कन्वेंशन ऑफ द वेरिएबल्स। अगर पैकेज की बात करें तो इट शुड बी ए लोअर लेटर, कंटेंस मल्टीपल वर्ड्स सच एज ए, सेपरेटेड बाई हाइपन, या आप इसे सेपरेट कर सकते हो। कॉन्स्टेंट, अगर कॉन्स्टेंट का बात करें तो इट शुड बी अपर लेटर सच एज ए रीड, येलो, तो पूरी अपर लेटर ही रहेगा। अगर कॉन्स्टेंट को अगर डिक्लेयर कर रहे हो तो मिक्स प्रायोरिटी आप दो कि मैक्सिमम ही रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप नेमिंग कन्वेंशन आप समझ सकते हो, और एक तरीका है जिसके थ्रू अगर आप लिखते हो, जैसे कि अगर बात करें वर्बली, तो मान लो यहाँ पे क्लास है, तो क्लास नेम क्या देना है, स्टूडेंट, इसको ओपन करना है, इसको क्लोज करना है। अगर कोई पैकेज लिखना है, पी ए पैकेज, तो पैकेज आप देख सकते हो कम डॉट एन टी डॉट क्या टेक्नो, टेक्नो टेक्नो सेमिकलन, तो एक पैकेज नेम हो गया कॉम डॉट एन टी डॉट टेक्नो। उसके बाद अगर बात करें कि आप इसके अंदर वेरिएबल कैसे दोगे, तो स्टूडेंट का वेरिएबल क्या होता है, इंट रोल नंबर, या स्ट्रिंग नेम। तो ये सारी चीज़ें कैपिटल से नहीं स्टार्ट कर रहे, स्मॉल से, वेरिएबल है इसलिए। उसके बाद अगर कोई मेथड आप बना रहे हो, तो मान लो मेथड बनाए आप पब्लिक void डिस्प्ले डेटा, तो देखो डिस्प्ले तो मैंने लिखा, लेकिन डेटा लिखते समय पे दो वर्ड्स मुझे मिल गया, तो डिस्प्ले तो स्मॉल है लेकिन डेटा जो है कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह के से हम लोग नेमिंग कन्वेंशन देते हैं ताकि इजिली हम लोग अंडरस्टूड कर पाए। मान लो कोई मुझे स्टैटिक्स कॉन्स्ट वेरिएबल देना है, तो पब्लिक स्टैटिक्स फाइनल, और जो वेरिएबल देंगे उसको देंगे यूजर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू
इतना। ये हो गया, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट वेरिएबल, एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, कभी चेंज नहीं होगा, तो इस तरह से इसको डिक्लेयर करेंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हाँ नेमिंग कन्वेंशन होता क्या है, कैसे हम लोग उसको फॉलो करेंगे सभी चीज़ों में देख करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।